ग्वालियर में एयरफोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ठग महिला ने पीड़ित महिला से 2,50,000 की रकम ऐंठ ली। ठगी का शिकार हुई महिला की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र की रहने वाली विनीता यादव ठगी का शिकार हुई है। विनीता की फेसबुक पर सुषमा चौहान नाम की महिला से दोस्ती हुई थी। सुषमा ने विनीता को भरोसा दिलाया कि वह उसकी नौकरी एयरफोर्स में लगवा देगी। एयरफोर्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर नौकरी के लिए सुषमा ने विनीता से 2,50,000 की रकम ऐंठ ली। जब काफी समय तक नौकरी हासिल नहीं और विनीता ने सुषमा से रुपए वापस करने के लिए कहा तो उसने विनीता को ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। जब वह एयरफोर्स ऑफिस पहुंची तब उसे मालूम हुआ कि वह ठगी का शिकार हुई है। लिहाजा विनीता ने ग्वालियर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला सुषमा के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर थाना क्षेत्र की ये घटना है। इसमें एक जो फरियादिया महिला है उसके साथ लगभग 2.5 लाख रुपए 2-3 किस्तों में ट्रांसफर किए गए हैं कि एयरफोर्स में जो भी सहायक होते हैं, वर्किंग स्टाफ होता है, उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर। तो उसने 2-3 किस्तों में जो ठगी करने वाली जो आरोपित महिला है वो भी उसने कुछ उनको झांसा दिया कि नौकरी लगवाने के नाम पर। और अभी हमने इसमें भी एक 420/67 और 471 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। अभी इसमें इस संबंध में